हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से और शुरू करते हैं आज के टेक अपडेट्स। सो पहली न्यूज है मोटोरोला की। मोटोरोला ने भैया बोल दिया है कि मैं भी वायरलेस चार्जिंग लेकर आऊंगा। ये नई बात नहीं है, हमने वायरलेस चार्जिंग देखी है, फास्ट चार्जिंग देख ली है, लेकिन ये है डिस्टेंस वायरलेस चार्जिंग। थोड़े टाइम पहले शाओमी ने भी बोला था कि भाई हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जिसमें आप थोड़ा डिस्टेंस से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। दैट मीन्स कि प्लग में चार्जर तो लगा हुआ है लेकिन आप आराम से इधर उधर घूम सकते हो और अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो उसको जेब में या हाथ में रख के। और मोटोरोला ने भी सेम ही चीज़ बोली है कि वो कर रहा है। और इस वीडियो में आप देख सकते हो कि थोड़ा डिस्टेंस पे हैं दोनों फ़ोन तब भी चार्ज हो रहे हैं और जैसे ही वो बंदा उसके ऊपर हाथ रखता है चार्जिंग रुक जाती है। सो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। तो देखो टेक्नोलॉजी दिन पे दिन अपडेट होती जा रही है और देखते हैं कि ये हमें कब से यूज़ करने को मिलेगी। आप बताओ इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपका क्या सोचना है। आगे बढ़ते हैं और सेकंड न्यूज़ की बात करते हैं। तो WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी की जो भसड़ है वो तो हम सभी को पता है, लेकिन WhatsApp आजकल क्या जैसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें कर रहा है कि यार हमको उसके ऊपर भरोसा हो जाए। तो जो ये न्यूज़ है उससे रिलेटेड है कि उसने अपना जो डेस्कटॉप वर्जन या web.whatsapp जो है उनके लिए एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर बना दी कि अब आपको फिंगरप्रिंट सेंसर या जो फेस अनलॉक है उसके थ्रू ही आप वहाँ पर इंटीग्रेट कर पाओ, मतलब जो सिक्योरिटी इंटीग्रेट कर दी है तो आप उसके थ्रू ही लॉगिन कर पाओगे। ये वाली चीज़ें तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो छोटी मोटी चीज़ें आजकल न्यूज़ में आती रहती है वो अपनी केवल इमेज को अच्छा करने के लिए कर रहा है। बट अच्छी बात है, हमें एक्स्ट्रा लेयर्स मिल रही है। पर जो अभी मेन मुद्दा है वो उसके ऊपर अभी तो कुछ क्लैरिटी नहीं है, बस डेट बढ़ गई है उसकी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या सोचना है आप मुझे कमेंट करके बताना, या मेरी तरह आप भी सोचते हो कि ये बस अपनी इमेज को साफ करने के लिए ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो रही है। आपके कमेंट्स का जरूर वेट करूंगा। तो अगली न्यूज़ है ब्लैक शार्क 4 के बारे में। जी हाँ, गूगल प्ले कंसोल पे स्पॉट हुए हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। गेमिंग फ़ोन है ये ब्लैक शार्क, आपको पता होगा। इसके जो स्पेसिफिकेशन है उसकी बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 यानी कि 888 जो है वो देखने को मिल सकता है, ऐसा है। पर कंपनी की साइड से ये वाली चीज़ ज़रूर कंफर्म हुई है कि इसमें आपको 120 वाट्स की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। तो यार काफ़ी सही है। और जो बैटरी है वो इसकी कुछ 4500 mAh के आसपास की रहेगी। तो जब आएगा ये इंडिया में, जब भी आना होगा, अभी कुछ पता नहीं है, तो हम इसका डेफिनेटली गेमिंग रिव्यू करेंगे। आपको गेमिंग रिव्यू देखना रहेगा या नहीं ये मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अगली न्यूज़ है Redmi Note 10 के लॉन्च के बारे में। जी हाँ, इसको मिल गया है BIA सर्टिफिकेट। तो ये यूजुअली जब होता है, जब फ़ोन लॉन्च होने वाला होता है, तो फरवरी में इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज़ का LCD डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 5050 mAh की बैटरी और अलग अलग रैम वेरिएंट्स भी इसके रहेंगे जो कि यूजुअली होता है। तो जब ये होगा इंडिया में लॉन्च, हम करेंगे इसके सारे वीडियोस। आप मुझे ये कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इसके सबसे पहले कौन से वीडियोस देखना है। अगली न्यूज़ भी शाओमी की है। शाओमी ने ऐसा हिंट दिया है कि भाई हम सबसे पहले स्नैपड्रैगन 870 और 880 के ऊपर फ़ोन लॉन्च करेंगे। लास्ट महीने एक चाइना में लॉन्च हुआ था जिसमें उसने बोला था कि मी सीरीज़ वर्ल्ड की पहली सीरीज़ होगी या पहला फ़ोन रहेगा जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या उनकी जो बात है वो सही साबित होती है या नहीं होती है, उनसे पहले कोई और भी लॉन्च कर देता है, ये तो हमें टाइम ही बताएगा। लेकिन नो डाउट इन दैट कि जब इंडिया में ये आएंगे तब हम इसके डेफिनेटली सारे रिव्यूज़ ज़रूर करेंगे। अगली न्यूज़ है सैमसंग की। तो जो सैमसंग गैलेक्सी A52 है और A72 है, इनकी जो डिज़ाइन है वो थोड़ी रिवील हो गई है। तो आप इस इमेज में देख सकते हो यार कि फ्रंट में जैसा सैमसंग का डिज़ाइन होता है वैसे ही है, लेकिन पंच होल डिस्प्ले है। साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स भी देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो जो सैमसंग की डिज़ाइन है वैसा ही है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। और सैमसंग गैलेक्सी A52 के स्पेसिफिकेशंस की बात करें, जो एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप रहेगा, एंड सबसे बड़ी बात कि ये 5G कनेक्टिविटी के साथ है। तो काफ़ी अच्छी बात है, मिड रेंजर फोन्स हैं सैमसंग के, तो आप ए सीरीज की जो प्राइस है उसके ही आसपास इसकी उम्मीद रख सकते हैं। तो ये थे आज के सारे टेक अपडेट्स। आप बताओ कि ये न्यूज़ आपको सारी कैसी लगी, आपके लिए कोई सजेशन है आप मुझे दे सकते हो कमेंट में, हम डेफिनेटली उसको अप्लाई करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दिस इज प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।